विवरण आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 में आपका दिया है प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे दिया समीकरण, पहला क्वेश्चन दिया आपका समीकरण 2x = 4 का हल। तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर कितना आएगा ये हमें पता करना है। फिर ये जो डिब्बा दिया है उसमें हमको भरना है। तो जो 2x = 4 दिया है तो x बराबर हम लिखते 4/2, फिर 2 × 2 = 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा और चौथा, ये आपको फिर ये आपको भर के दिखाना है। प्रश्न दूसरा देखते हैं, समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दिया आपका, उसको हल करना है और उत्तर की जांच करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न दिया आपका 7x + 15 = 3x + 31। तो चलिए इसे हल करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका 7x + 15 = 3x + 31, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 7x और यहाँ पे दिया है 3x। तो 3x को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, इधर धन चिन्ह में। तो इधर आया किस में हो जाएगा, ऋण चिन्ह में हो जाएगा। इधर दिया है धन 31 और इधर दिया है धन 15। धन 15 इधर आया कि क्या हो जाएगा, ऋण में आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा ऋण 15। यहाँ पे दिया 7x ऋण 3x, तो 7x में से ऋण 3x को माइनस करेंगे, ऋण करेंगे। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x = 31 में से 15। तो 31 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 31 में से 15 घटाएंगे तो 16। यहाँ पे लिखेंगे x = 16 और इधर ये गुणा में है तो नीचे आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 4। तो x = 16/4, तो 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो 4 × 16, तो x = कितना है, 4 आया। यह आपका x का मान। तो आपको क्या बोला प्रश्न में, उत्तर की जांच करें। उत्तर जो आया है वो सही है कि नहीं ये देखना है। तो हमें उत्तर का जांच करना है। तो जो जहाँ पे x लिखा है वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो चलिए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, तो ये x की जगह किसका मान रखेंगे, 4 को रखेंगे। तो x की जगह 4 रखेंगे, 15 = 3, 4 + 31। तो ये यहाँ पे क्या है, गुणा का निशान है। तो 7 × क्या हो जाएगा, 28 + 15 = 4 × 12 = 31। ये हो गया आपका। तो 28 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33, और 12 और 31 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 33। तो दोनों पक्ष क्या आया, बराबर आए। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं उत्तर की जांच करके कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है या फिर गलत। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 3 × 3 = 5 × 2x = 1। तो चलिए देखते हैं इसे बना के। (3x - 3 = 5; 2x = 1) तो चलिए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पे 3 को जो कोष्टक के अंदर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x, और ये ऋण 3 × 3 = 9 हो जाएगी। इधर 5 × 2 = 10 और ऋण 5, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद x वाले को एक तरफ करेंगे, 3x हो जाएगा इधर, धन ऋण 10x हो जाएगा बराबर ऋण 5, और ये ऋण में हो कितना हो जाएगा, धन में आ जाएगा, धन 9।
तो तीन एक्स में से ऋण करें किसको, 10x को, तो कितना आएगा ऋण 7x। ऋण चिन्ह क्यों है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है, इसलिए इसमें ऋण का चिन्ह है। बराबर 5 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा 4, तो x बराबर कितना है 4/7। यह है आपका x का मान। अब हमें जहां पे x दिया है वहां पे हम 4/7 को रख के इसका उत्तर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।